नमस्कार दोस्तों, अभी अभी पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल तालिबानी आतंकवादियों का पीओके में एंट्री हो चुका है। तालिबान ने अपना सबसे बड़ा दाव चला है, अपने जान को जोखिम लेके भारत पे अटैक करने का पहला प्रयास शुरू कर दिया है और पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों यहाँ पे एक दो आतंकवाद नहीं, कम से कम 400 से अधिक आतंकवादी वही पीओके में आया है, खासतौर पे भारत से युद्ध करने के लिए आया है। और बड़ी बात यह है, भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि तुम आए तो सही, लेकिन यहाँ से तुम जा नहीं पाओगे, तुम्हें यहाँ पे जिंदा गाड़ देंगे। जो हाल तुम्हारे पूर्वज यानी कि पाकिस्तानियों को हम करते आए हैं, वही अब तुम्हें करके दिखाएंगे। दोस्तों भारत ने घोषणा कर दिया है कि एक एक को चुन चुन के मारेंगे, चाहे जो हो जाए। अब की बार तालिबान सहित पाकिस्तानियों को औकात अच्छी तरह से दिखा देंगे। अब की बार हम एयर स्ट्राइक खास तौर पर बालाकोट में नहीं करेंगे, पूरे लाहौर पर करेंगे, पूरे कराची पर करेंगे, और हमें मौका पड़ा तो अफगानिस्तान में घुस के तालिबानी को मारेंगे। दोस्तों बहुत कुछ, आप लोग पूरा खबर देखिए और बताऊँगा आखिरकार ये 400 आतंकवादी कब पीओके में एंट्री किया है और कब तक भारत पे हमला करना शुरू कर देगा, और आखिरकार हम लोग किस प्रकार से उसे हराएंगे, आखिरकार हमारा सेना का क्या स्ट्रेटजी है। दोस्तों मैं आपको एक एक बात बताऊँगा और समझाऊँगा, लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत है तो सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, मेरा चैनल टेलीग्राम पे आसानी से आ जाएगा। अब चल जाना सरकार, हुआ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं चाहे तालिबान हो या फिर पाकिस्तानी आतंकवादी हो, दोस्तों ये केवल कुत्ते की तरह भौंकता है, हिम्मत नहीं कि सामने से वार करे और किसी को हरा दे। अब यहाँ पे कई सारे मूर्ख होगा जो गधे होगा, थिंक टैंक होगा, बोलेगा भाई ये क्या बात हुआ, तालिबान तो बहुत पावरफुल है, अमेरिका को हरा दिया, सोवियत संघ को हरा दिया, सबको हरा दिया, और हम बोल रहे हैं तालिबान बेहद ही कमज़ोर है, डरपोक है, तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों इस तरह की बात आप लोग करेंगे, देखिए मैं पहले आपको इसका प्रूफ देता हूँ कि तालिबान कितना कायर है, कितना गद्दार है, कितना चोर है, और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा कलंक है। दोस्तों पहले आप लोग ये जानिए, आप लोग जानते हैं भारत इतिहास में कई बार युद्ध लड़ा है दोस्तों, उस समय भी वो आतंकवादी ही था, आज भी वो आतंकवादी ही है। यानी कि जो लोग आज भारत में बोलते हैं कि अरे भाई औरंगजेब तो महान था, बाबर तो महान था, खिलजी तो महान था, यहाँ पे तैमूर लंग तो महान था, दोस्तों उन तमाम लोगों को बोल दो ये महान नहीं, ये चोर था, ये लुटेरा था, ये गद्दार था, विदेश से आया था, अफगानिस्तान से आया था, तुर्की से आया था, जहाँ से मन हो वहाँ से आया था, यानी कि जब उसे खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा था, उन्होंने लुटेरों का ग्रुप बना के भारत पे हमला किया था, उसमें भारत सोने का चिड़िया था, बोला चलो भाई भूखे मरने से बेहतर है कम से कम भारत पे हमला करेंगे, अगर जीतेंगे तो सोने से लहाएंगे, खूब मुर्गा चावल खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, और हारेंगे तो मर जाएंगे। दोस्तों इसी सोच के साथ खासतौर पर आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले विदेशियों ने हम पे हमला किया था, उसे पता था कि अगर भारत पे हमला नहीं करेंगे तो ऐसे भी हम लोग रेगिस्तान में भूखे मर जाएंगे, बिना अन्न पानी का मर जाएंगे, इस सच्चाई की लड़के मरते हैं दोस्तों, इसीलिए हमला किया था। अब यहाँ पे बहुत सारे मूर्ख बोलेंगे भाई हमला तो किया था, वो केवल 10,000 था, 5,000 था, भारत के लाखों सैनिक को हरा दिया, भारत पे राज कर लिया, ये तुर्की वाले, अफगान वाले, भारतीय जो राजा था उसमें दम नहीं था। दोस्तों ये मानना आपका बिल्कुल ही गलत है, भारत का राजा दोस्तों बेहद ही शक्तिशाली था, भारतीय राजा को दोस्तों हराने में कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब भी हारा है अपनों से हारा है, यानी कि जो हमारा था वो जाके इन विदेशी गद्दारों से हाथ मिला लिया और हमारे साथ रह के ही हमारे पीठ पीछे खंजर भोंक दिया, और फिर क्या हुआ, ये लुटेरा लोग हमें लूट गया। दोस्तों ये सच्चाई है, सिंपल की बात करें तो अगर एक राजपूत राजा या फिर कोई भी हिंदू राजा जहाँ पर मैदान में खड़े हो जाए, इन विदेशियों को पेंट दोस्तों गीला हो जाता था, चाहे दोस्तों अफगानिस्तानी हो, तुर्की वाले हो, या फिर कहीं वाले हो, लेकिन उसे पता था भाई हिंदुओं में एक कमी है, हिंदुस्तानियों में एक कमी है, वो है आपस में लड़ना, एक भाई दूसरे को मार देगा पैसा के लिए, राजपाट के लिए, दूसरे का वंश तबाह कर देगा, यानी कि कोई किसी के नहीं हिंदुस्तान में, केवल पैसा दो और यहाँ पे तमाशा देखो। दोस्तों इसी का फायदा हमने उठाया है, इसीलिए ये ध्यान रख लीजिए, ये तालिबानी हो या फिर पाकिस्तानी हो, किसी को औकात नहीं कि हमारे सामने टिक पाए, हम लोग जब भी हारे हैं वो है अपनों से हारे हैं, गैरों में दम नहीं जो हमें आँख दिखा सके। अब दोस्तों अब क्या हुआ चलो मैं बता रहा हूँ, आप लोग जानते हैं दोस्तों पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान डायरेक्ट रूप से अफगानिस्तान में एंट्री कर दिया है, और पाकिस्तान आप जानते हैं दोस्तों वहाँ पे तालिबानी को खुश करने के लिए पता क्या क्या, पंजशीर में अपना
एयरफोर्स भेजा, बोला कि देखो हम यहाँ पे एयरफोर्स भेज रहे हैं, स्पेशल फोर्स भेज रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंस ख़त्म कर रहे हैं, बदले में तुम्हें कश्मीर में जाना होगा। दोस्तों ये बात इसी सप्ताह का, ठीक है, पाकिस्तान तो पहला एक्शन यहाँ पे लिया। दूसरा, पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है दोस्तों, उनका जो प्रमुख है वो तालिबान गया, उसे पूरी तरह से याद दिलाया कि तुम जाओ, आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या था, वो है जिहाद फैलाना, वो भी कश्मीर में, अब अपने काम करो। दोस्तों ये बात उन्होंने कन्वेंस कर दिया। इतना ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के कई सारे मंत्री संतरी दोस्तों वहाँ पे पहुँचा है, ये सब पिछले दो दिन से हो रहा था, अब ऐलान हो चुका है कि तालिबान का सरकार लगभग लगभग बनने वाला है, बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे खबर आ रहा है कि पाकिस्तान का कम से कम 400 से लेकर 500 आतंकवादी, और उधर तालिबान का कम से कम 400 से लेकर 500 आतंकी पीओके में घुस चुका है। इतना ही नहीं, इसमें अलकायदा का भी आतंकवादी है, आईएसआईएस का भी आतंकवादी है, यानी कि ये तमाम आतंकवादी पीओके में एक नया कैंप शुरू कर चुका है, और यहाँ से इन जिहादियों को भारत भेजने का प्रयास करेगा, नहीं भारत में तांडव मचाने का प्रयास करेगा, भारत में पूरी तरह से खासतौर पर बम विस्फोट करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों इसी सपना से तालिबानी खासतौर पर पीओके में आया हुआ है। आप बोलेंगे, आप भाई ये तो बहुत टेंशन की बात है, ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग को अफसोस होगा, अब क्या करेंगे। दोस्तों टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये जिहादी लोग केवल हम लोग को धमकाता है, ठीक है, अगर कश्मीर में आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कश्मीर पहाड़ी इलाका है और दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है, चाहे अमेरिका हो या फिर रसिया हो, यहाँ तक कि चाइना हो, दोस्तों सब बोलता है कि पहाड़ी इलाका में युद्ध करने के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे स्पेशल फोर्स होता है वो है भारतीय सेना, खासतौर पे चाहे टेम्परेचर हाई हो, लो हो या फिर गोरिल्ला वारफेयर हो, इसे कोई जीत ही नहीं पाएगा, दोस्तों ये सब जानता है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। अगर कश्मीर में एंट्री करता है तो उससे हम लोग दोस्तों यहीं पे दफना देंगे, ये तय है। इतना ही नहीं, हमारा सैटेलाइट इसरो ने दोस्तों कई प्रकार का सैटेलाइट बनाया है, अगर पड़ोसी देश चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर कहीं भी हो, वहाँ से एक आदमी भी भारतीय सीमा में प्रवेश करने का कोशिश करेगा, दोस्तों वहाँ पे हमारा आर्मी तो पकड़ेगा ही, साथ में हमारा इसरो का जो सैटेलाइट है वो तमाम डेटा खासतौर पर आर्मी को पहुँचा देगा, बोलेगा देखो भाई इस जगह पे ये 10 लोग आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सैटेलाइट से कौन बच पाएगा, आर्मी से तो बच जाओगे, इंसान को तुम चकमा देने का प्रयास करोगे, सैटेलाइट से कैसे बचोगे। दोस्तों इसीलिए टेंशन की बात नहीं है, और बाय द वे आतंकवादी भारत में आ जाता है तो समझिए अपना मौत का बुलावा दे दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय आर्मी हाल ही में बोला था खासतौर पर दोस्तों कि अगर तालिबानी हो या फिर पाकिस्तानी हो, कोई भी हमारे सीमा का उल्लंघन करेगा हम उसे मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा तैयारी फुल है, हम फुल एंड फाइनल मूड में है, यानी कि छेड़ोगे तो तुम्हें डबल नहीं 100 गुना अटैक हम तुम पे करेंगे, यानी कि इजरायली नीति हम अपना लिए है, हमें कोई एक बार छेड़ेगा उस पर हम 100 बार अटैक करेंगे। और इसलिए दोस्तों भारत का एक रणनीति और है, भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तालिबान भविष्य में कहीं पे भी एक भी कहीं बम फोड़ता है तो हम समझेंगे ये पाकिस्तान किया है।